मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा गुनाह तो सबसे घिनौना है वीर। तुमने अपने जमीर को, अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने ही देशवासियों को धोखा दिया। तुम्हारी वजह से हमारे दो क्रांतिकारी भाई के हाथ मारे गए। ये धरती मेरी माँ है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे पास सबूत है कि तुम देशद्रोही हो। और तुम अच्छी तरह से जानते हो वीर कि हम देशद्रोहियों के साथ क्या करते हैं। उनका सर काट देते हैं हम। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हरिलाल, जानता हूँ मैं। लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तेरा खेल खत्म वीर। इस जन्म में तो तुम सब लोग जीत गए, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। मैं वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा अपने अपमान का बदला लेने, और तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। कितना सुनसान रास्ता है ये शेखर। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, मेरा तो सर दर्द करने लगा है। नेहा, बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मेरा गांव बहुत प्यारा है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। 20 एकड़ की जमीन है हमारी यहाँ। इसका मतलब हम यहाँ पर अपना एक हॉलिडे होम बना सकते हैं। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। हाँ। ये क्या हो रहा है शेखर? क्या हुआ शेखर? पता नहीं गाड़ी क्यों रुक गई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं चेक करता। क्या हुआ शेखर? नेहा, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। कभी कभी यूँ अच्छी फिल्म देखकर इतना मजा आता है ना, लेकिन काम से फुर्सत कहाँ। यार फुर्सत है ना, अभी लंच पे चलते हैं। या अगर घर का खाने का मन हो तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बना के खिलाता हूँ। तुम बनाओगे? सीरियसली? मैंने सीख लिया है, मेरे पास खाना बनाने की बहुत सारी बुक्स हैं। ओह, सो कूल। अरे यार ये सही टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। दया। हाँ दया। यार मैं एक छोटे से केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर आया हूँ। नहीं नहीं, एक छोटा केस है यार, सॉल्व होते ही मैं आता हूँ। मैं पहुँच रहा हूँ ब्यूरो में, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। ओह यार, दिस इज लाइक रियली बैड। आनिया, हाय, पहचाना? तारिक, इतने सालों, माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, इट्स यू। ओह गॉड, आफ्टर सो मेनी इयर्स। या अभिजीत, ये है आनिया, मेरी कॉलेज फ्रेंड। और आनिया, ये है अभिजीत। नमस्ते जीजा जी। जी। पागल, शादी नहीं हुई है अभी तक। एनीवेज, अब तू बता, तू क्या कर रही है? मैं सीआईडी के साथ काम कर रही हूँ, एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। वाओ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओह माय गॉड, तेरा जॉब कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यार, सारे दिन कंप्यूटर्स, बहुत बोरिंग है। चल ना कभी मिलते हैं, कॉलेज की बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजी करेंगे। लंच के लिए मिले? अभी लंच? ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड लंच पे जाइए, मैं बाद में हम लोग। इट्स ओके, एक काम करते हैं तारिका, हम मिलते हैं रात को डिनर के लिए, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। अपना नंबर और एड्रेस दो। हेलो, 9821। हेलो, कौन से हॉस्पिटल में? मेरे शेखर को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे, बेचारे किस हाल में होगा वो। ठीक है, आप घबराइए मत, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमें ये बताइए कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक घंटा हो गया,
घर अभी तक नहीं आया। शिट, फोन भी नॉट रिचेबल। शेखर, 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 चलता फिरता आदमी जिसका सर नहीं लेकिन वो अपना सर अपने हाथ में लेके घूम रहा था। नेहा जी, काफी अंधेरा था तो हो सकता है कि आपने अंधेरे में कुछ और देखा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके सच में सर नहीं था। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने शेखर को कुछ करना दिया। शेखर की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। ठीक है, आपका कहना है कि उस आदमी का सिर नहीं था और उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उसका चेहरा कैसा था, आपको याद है वो कैसा दिखता था? बिल्कुल सर, वो खौफनाक चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, हम एक स्केच आर्टिस्ट को यहाँ भेजते हैं, आप उस चेहरे का स्केच बनाने में मदद कीजिए उसके। ठीक है जी। तो ये है वो खून जो नेहा जी ने देखा था, और उसके बाद वो शेखर को ढूंढते ढूंढते इस दरवाजे से अंदर गई थी। जहां पे उन्होंने उस आदमी को देखा था जिसका सिर नहीं था, उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। देखते हैं हमें भी दिखता है क्या वो आदमी। सचिन, उस तरफ देखो। निखिल, उधर देखो। Bonfire.
लकड़ियां जलाई गई हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग थे। ठीक है, हैंडीकैप यहाँ पे लगा है। निकल, निकाल के लेके आ। संभाल के आराम से। सर चला के देखो। सर ऑन नहीं हो रहा, सर लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सर बैटरी नहीं? नहीं सर। सर आ सचिन, यहाँ पे कुछ है। निकल गाड़ी में जाओ, इसको चार्ज करो। सचिन ये देखिए सर, कटा हुआ हाथ। हाथ? नहीं ये हाथ शेखर का तो नहीं हो सकता है, बहुत अजीब तरीके से काटा हुआ है। सिर्फ हाथ यहां मिला है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे कटा हुआ हाथ, हुआ क्या यहाँ पे? पानी गिल किसी ने इस आदमी पर हमला किया, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही है सर। आदमी काफी डरा हुआ था, लेकिन किस चीज से या किससे ये फुटेज में दिखाई नहीं पड़ा। सर अंदर से ये मोबाइल मिला है मुझे, और आखिरी कॉल कल रात किसी सुरेश नाम के आदमी को किया गया था। सुरेश चेक कर लेते हैं। हेलो माफ कीजिएगा, मैं अमर नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। सुरेश जी एक काम कीजिए, कल सुबह आप सीआईडी ब्यूरो आ सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। ये सुशीलपुरी गांव वालों से भी मिलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस कटे सिर वाले आदमी के बारे में। कुछ पता चला ये आदमी कौन है? नहीं सर, हमारे डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक काम करो, इस स्केच को हमारे सारे खबरियों को और सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, ये पता लगाना बहुत जरूरी है ये चेहरा है किसका। सर सर ये सुरेश जी है, उस फुटेज में जो आदमी था वो इनके लिए काम करता था। क्या काम करता था? सर मैं एक टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर हूँ, और हमारे सीरियल में सर हम अजीबोगरीब घटनाएं, आत्मा, उनसे जुड़ी कहानियां और उनके पीछे की सच्चाई दर्शकों के सामने रखते हैं। अमर हमारे इसी सीरियल का एंकर था, और सर जब वो लापता हो गया तो हमने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की थी। अरे वाह, फिर तो अमर बड़ा ही बहादुर आदमी होगा ना। जी हाँ सर,
उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था और वो सच्चाई को सामने लाने के लिए उन जगहों पर एक खुफिया कैमरा छुपा देता था। सर तभी हमें कैंपसाइट पर एक खुफिया कैमरा मिला था। अमर शायद अपने टीवी शो का फुटेज शूट कर रहा होगा। बड़ी अजीब बात है, उस जंगल के इलाके से दो दो लोग गायब हो गए। आखिर ऐसा है क्या उस जंगल में? एक काला साया है इस जंगल में, अद्भुत आत्मा पिछले 90 सालों से भटक रही है। एक मिनट चाचा, आप क्या हुआ क्या था 90 साल पहले? पिताजी बता रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में वीर नाम का भारतीय गुप्तचर था। गांव वालों को और स्वतंत्रता सेनानियों को जब उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसको देशद्रोही घोषित करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाबा, ये 90 साल पुरानी कहानी का शेखर के गायब होने से क्या लेना देना? बदला, उसके साथ जो अन्याय हुआ था ना, उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा दोबारा प्रकट हो गई। फिर से मतलब? जब उसकी हत्या हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी और 3 गांव वाले अचानक गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए। ये इतिहास दोहराया जा रहा है, लोग फिर गायब होना शुरू हो गए हैं। और लगता है उस आत्मा ने अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सर प्लीज, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, ये पुराने ख्यालात के आदमी है, इसीलिए ये सब भूत प्रेत वगैरह में विश्वास रखते हैं। जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वो जंगल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। हम में से किसी ने भी किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी है, क्यों गांव वालों? वो आ चुका है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, ये खजाना किसी को नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। खजाना? ये किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? सर, रामू चाचा की दवाई का समय हो गया और आराम का भी। वो डॉक्टरों ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया ना इन्हें, वरना इनके याददाश्त पे गलत असर पड़ेगा। सर ठीक है, आप लोग रामू चाचा को ले जा सकते हैं, लेकिन अमर और शेखर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। जी चलिए। जंगल से जो हाथ तुम लोगों को मिला है वो हाथ शेखर का नहीं, अमर का। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अमर की डीएनए रिपोर्ट और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में है, और इस हाथ का डीएनए उस रिकॉर्ड से मैच होता है। इसका मतलब अमर हो गया सालूम के साथ? मगर जंगल में अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली है फ्रेडी। देख एक बात और, अमर का हाथ किसी तेज हथियार से नहीं काटा गया, क्योंकि उसके हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे बात साबित हो सके। सर तो फिर खूनी ने हाथ को शरीर से अलग कैसे किया? उखाड़ लिया। उसका हाथ किसी ने बहुत ताकत से उखाड़ कर शरीर से अलग कर दिया। और एक बात, जंगल से मिले इस कपड़े की जांच की है मैंने, ये कपड़ा बहुत पुराना है, 1920 के जमाने के आसपास का। पर सर, कोई 1920 के जमाने के कपड़े क्यों पहनेगा? श्रेया, ये भी एक सवाल है, मगर फिलहाल मैं ये बताऊं कि इस कपड़े के टुकड़े पर मुझे बारूद के ट्रेसेस मिले, ऐसा बारूद जो ब्रिटिश फौज अपनी बंदूक की गोलियों में इस्तेमाल करती थी। सर, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि वीर फिरंगी सेना में था और 1920 में बहुत भयानक मौत मरा था, और ये कपड़ा भी 1920 साल के कपड़े। वीर जी की आत्मा वापस आ गई है और वो लोगों के खून करके अपना बदला ले रही है। सर ये सब किसी का षड्यंत्र है, सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1920 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, एक वेल नोन हिस्टोरियन है मिस्टर प्रशांत, उन्होंने 20वीं सदी के ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखी हैं और उस जमाने के स्वतंत्रता सेनानियों पर रिसर्च भी किया है, हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो श्रेया, हमें फौरन इस प्रशांत जी से मिलना होगा, और हमें यह भी पता करना होगा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं
जो ये हथियार और पुराने पिस्तल इकट्ठा करते हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई गुनेगार हो। 90 साल पहले उस गांव में क्या हुआ था, हमें उसके बारे में पता करना है। 90 साल पहले? हाँ, इस बारे में मैंने सुशीलपुरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर काफी रिसर्च की है और एक किताब भी लिखी है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप पहचानते हैं इसे? ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, ये देखिए, सर ये तो स्केच वाला ही आदमी। कौन है आदमी? इसका नाम बीर है। ये उस समय का जाना माना स्वतंत्रता सेनानी था और World War I में इसने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक जंग भी लड़ी थी। सुना इस पर गद्दार होने का इल्जाम लगा था, बाद में गांव वालों ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया था। देखिए, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि बीर के साथ कुछ और ही हुआ हो। कुछ और हुआ हो, क्या मतलब है आपका? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि बीर को गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया था और उसने कुछ बड़े बड़े दुश्मन भी बना लिए थे जो उसे जिंदा देखना नहीं चाहते थे। प्रशांत जी, हम आपकी ये बुक ले जा सकते हैं? जी हाँ, जरूर। देखिए, हो सकता है मेरी रिसर्च आपके कुछ काम आ जाए। रणविजय जी को पुरानी बंदूकें रखने का शौक है, ठीक है, मिल लेते हैं। ऐसा करना आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ऐसा काम कोई आदमी नहीं, आत्मा ही कर सकती है। सर, हमें तो लग रहा था कि सबके पीछे रणविजय का हाथ है, पर अब किसी ने ऐसे ही मार दिया। एक काम करते हैं, घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। मैं इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करता हूँ। सुशीलपुरी गांव में एम्बुलेंस भेजो। सर, सर ये दो गन्स मिली हैं। काफी पुरानी लगती है। लगता नहीं, इससे काफी टाइम से फायर हुआ है। नहीं, ये बारूद मिला क्या? सर, जहाँ ये गन्स मिली वहाँ तो कोई बारूद नहीं था। आसपास चेक करो, देखो कहीं छुपा के रखा हो। सर, चेक मिला है सर, रणविजय के नाम का। 15 लाख रुपए का चेक, वो भी कल की तारीख का है। इतनी बड़ी रकम का चेक किसने दिया होगा रणविजय को और क्यों? जगदीश जी, आपने रणविजय को 15 लाख रुपए का चेक दिया, इतनी मोटी रकम किस लिए? सर, रणविजय जी से हमने कुछ पुश्तैनी सामान खरीदा था, उसी के एवज में हमने ये चेक दिया था। क्या हम वो चीजें देख सकते हैं? सॉरी सर, वो सारी चीजें बिक गई हैं। सारी चीजें बिक गई? जी। किसने खरीदी ये चीजें? सर, एक मैडम जी आई थी, उन्होंने रणविजय जी की सारी चीजें खरीद ली। कौन कौन मैडम है, आप जानते हैं? सर, मैं उन्हें नहीं पहचानता, वो यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा, उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? कैसी दिखती थी, कितनी उम्र होगी, क्या नाम बताया था उन्होंने? सर, उन्होंने अपना नाम रश्मि बताया था। ये कोई 25-26 की रही होंगी, काला चश्मा पहन रखा था और स्कार्फ बांध रखा था। सर, मतलब ये जो भी हैं अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। अच्छा, ये पेमेंट कैसे की थी? कैश, कैश से दिया था। सर, अब इस लड़की के बारे में पता कैसे करेंगे? सर, यहाँ पर जो भी सामान खरीदता है हम उसकी एक फोटो निकाल लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। वेरी गुड। सर, आपको याद होगा, एक बुजुर्ग आदमी ने
हमें खजाने के बारे में कुछ कहा था। हाँ तो सर, सर मैंने प्रशांत जी के घर पे जितनी भी किताबें हैं सबको ध्यान से पढ़ा ताकि हमें ये मालूम पड़े कि खजाने की कहानी असली है कि गलत। तो खजाने की बात सुनकर तुम्हारी नींद उड़ गई है? हाँ सर, सर सर मुझे एक बुक में से मालूम पड़ा कि फिरंगियों ने हमारी प्रजा से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात चुराए थे सर, और उन्हें कहीं छुपा दिया था। और तो और सर, उस रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे सबकी एक एक करके मौत हो गई सर, और खजाना कभी मिला ही नहीं। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि वीर उस रेजिमेंट का एक हिस्सा था। हाँ सर, वीर को इस खजाने के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका मतलब है प्रशांत जी सही कह रहे थे, किसी ने जानबूझकर वीर को फंसाया, उसे मौत के घाट उतारा ताकि वो लोग खजाने को लूट सके। सर मुझे तो लगता है शेखर जी का गायब होना और रणवीर जी की मौत, ये खजाने की चक्कर भी हुई है। सर एक खास बात पता चली, उस किताब में लिखा हुआ है कि सालों पहले वीर जी को मारने के फैसले के पीछे तीन लोगों का हाथ था। ये तीन लोग कौन है? सर उनके नाम थे हरिलाल, भूषण और जोगिंदर। उनके परिवार के बारे में मैंने छानबीन की तो पता चला कि हम उनके पोतों को जानते हैं। हम उनके पोतों को जानते हैं? हाँ सर, पहले हैं शेखर जी जो गायब है, दूसरे हैं रणविजय जी जिनकी मौत हो चुकी है, और तीसरे हैं मदन लाल जी। इसका मतलब सर खूनी उन लोगों के परिवार को मानना चाहता है जिन्होंने सालों पहले वीर जी को मारा था। जिनमें से एक गायब है और एक की मौत हो चुकी है। सर अगर ऐसी बात है तो खूनी के अगले शिकार मदन लाल जी। हाँ श्रेया, एक मिनट। हेलो, मदन लाल जी है घर में? जी नहीं साहब। कहाँ गए? वो भी अभी बाहर गए साहब। कब? अभी। अब कैसे गए वो? गाड़ी से साहब। गाड़ी का नंबर? ST08JH6611। ओके थैंक यू। मदन लाल जी अपने घर से निकल गए शहर के लिए, हमें जल्द से जल्द किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। सर मैं इंस्पेक्टर रमेश, मैंने ही आपको फोन किया था। मदन लाल जी की गाड़ी कहाँ है? सर इस तरफ जंगल में। चलिए दिखाई। आइए सर। जंगल के अंदर, इसीलिए रात को गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं पड़ी। ये कौन है? सर इसी ने कल रात को मदन लाल की गाड़ी को रास्ते से नीचे उतरते देखा था। वैसे बताइए क्या देखा था आपने? मैं अपने घर जा रहा था सर, मदन लाल जी की गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे आ गई थी, अचानक मैंने देखा उनकी गाड़ी रास्ते से उतरकर ये कच्ची सड़क की तरफ चली गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी उनकी गाड़ी की तरफ गया। मैंने सोचा उन्हें कुछ हो गया होगा सर, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था सर। कहाँ है गाड़ी? कहाँ? इस तरफ है। रात को जंगल के अंदर आके गायब कहाँ हो गया ये आदमी? सर ये देखिए, देख के लगता है जैसे यहां से किसी को घसीटा गया है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे मदन लाल जी की खूनी के साथ हाथापाई हुई है और फिर जंगल में ऊपर घसीट के ले गया उनका। सचिन सर्च पार्टी बुला, पूरा जंगल छान मारो, देखें क्या मिलता है। Thank you.
उस ऑक्शन के मालिक ने जिस काले चश्मे वाली औरत के बारे में बताया था वो अब तक तो कहीं दिखी नहीं है। इसका मतलब है वो औरत जानबूझकर अपनी फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थी। एक मिनट श्रेया, ये फोटो फिर से दिखाना, पीछे लो। अब इसको जूम करो। ये ग्लास दिख रहा है ना, इस पे किसी का रिफ्लेक्शन है, पीछे लो। ये है वो काले चश्मे वाली औरत। लेकिन इस औरत को तो इसको मैंने कहीं देखा है, अभी हाल में ही देखा है। अन्या, तारिका की सहेली, तारिका की सहेली, हाँ कल ही मिला हूं इससे मैं, कल। हाँ अरे जब वो तुम्हारा फोन आया था ना तो मैं उसी के साथ था। अच्छा, तुमने तो मुझसे कहा था कि किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तुम, हाँ? केस? हाँ, नहीं इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कहा था मैंने। छोड़ो यार वो, इस केस पे ध्यान दो। ये देखो, ये तारिका की सहेली अन्या, इसका इस केस से क्या लेने देना, ये तो अन्या बताएगी। किसी के लिए काम करती थी या फिर किसी के साथ। लेकिन सर वो है कौन, उसका पता कैसे चलेगा? ये तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मोबाइल में अमर की फोटो, लगता अमर भी शामिल था षड्यंत्र में। लेकिन अमर को तो जंगल में मार दिया गया था, उस दिन मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जिसने अमर और अन्या दोनों को मार डाला। ये तो है। ये वीर जी की डायरी मिली, शायद इसमें से कुछ पता चले। वीर जी ने इसमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अपने दुश्मनों के बारे में लिखा है। ये क्या, ये एच और सर इसका क्या मतलब हो सकता है? एच, मैंने अभी भी एक किताब देखी यहाँ पे जिसपे एस लिखा हुआ था, 1920। ये ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई अल्फाबेट, ये आड़ा टेढ़ा क्या लिखा है? अरे है तो ये कोई कोड ही। कोड? एच। एक मिनट, एक मिनट। 10, 11। ये तो घड़ी है।
अब घड़ी में 2 कैसे बचता ये मालूम है ना? बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 2 पे। दो पे, इसका मतलब ये है 2। ये 7। 7। और ये है 5। H275। मतलब अभिजीत, ऑथर हैरिसन के इस किताब के पेज नंबर 275 में कुछ होना चाहिए। ये पेज तो खाली है, इस पे तो कुछ नहीं है। सर कैसे हो सकता है 275 H275 hair dryer. Earbud. There. हेयर ड्रायर, नींबू, ईयरबड और कोरा कागज। अरे वाह, नींबू निचोड़ने के लिए काम आता है ये तो पता था, लेकिन आज पता चल रहा है कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। गुणकारी नींबू। सर, ये तो कोई नक्शा लग रहा है। इस नक्शे के बारे में पता लगाओ, यही हमें खूनी तक ले जाएगा। सर, इस नक्शे पर जो वी का निशान बना है वो यही गुफा है, भंडारा की गुफा। सर आगे से रास्ता। सर सर नक्शे के हिसाब से खजाना यही कहीं होना चाहिए। सर तो फिर यही देखते हैं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर जल्दी आइए। ये देखिए सर, इस पत्थर पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा इस नक्शे में। और इस पत्थर के आसपास ये मिट्टी हाल ही में खोदी हुई लगती है। जरा इन पत्थरों को उठाओ। पत्थर को उठा के देखते हैं। सोने का हार, इसका मतलब कोई खजाना हमसे पहले ले गया। और सर भागते भागते हार यहीं छूट गया। सर खजाना लेके शायद जंगल की ओर गया होगा। चलो
बस बक्सा वहीं रख दे। शुक्रिया अमर, अगर तुम और आनिया नहीं होते तो मुझे मेरी असलियत के बारे में मालूम नहीं होता। प्लीज प्लीज देखो गोली मत चला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, तुम मेरे खिलाफ आखिरी गवाह हो जिसे सब मालूम है कि सारे खून मैंने किए। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। नहीं मुझे जाने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। सब क्यों किया प्रशांत? मेरा नाम प्रशांत नहीं है, मेरा नाम राजीव है। प्रशांत की जगह लेकर मैंने आप लोगों को धोखा दिया। और तुम्हारे इस प्लान में अमर भी शामिल था, क्यों? बात अमर से ही शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते पहले अमर और आनिया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आए थे, तब मुझे पता चला कि मैं क्रांतिकारी वीर का पोता हूँ। और ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मेरे वीर दादाजी के बारे में कुछ बताया नहीं। क्रांतिकारी वीर के बारे में और जानने के लिए तुम असली इतिहासकार प्रशांत जी के पास गए। तब मुझे पता चला कि 1920 में मेरे दादाजी को गलत इल्जाम में फंसा कर तीन लोगों ने उनका खून कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे दादाजी की पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली, जिस पर आज उनके पोते राज कर रहे हैं। और इसीलिए उनके तीनों पोतों को मारा। प्रशांत जी को क्यों मारा तुमने? मुझे उन्हें मारना पड़ा, अगर वो जिंदा रहते तो मेरे बारे में आप लोगों को सब कुछ बता देते। और अमर, जैसे तुम्हें खजाने के बारे में पता चला, तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया, क्यों? सर वो सरकटी आत्मा की कहानी पर रिसर्च करते करते मुझे खजाने के बारे में पता चला। सर मेरी जान को बहुत खतरा था, मेरे पीछे कुछ ताकतवर लोग पड़े हुए थे जिनसे मैंने काफी पैसा उधार लिया था और मैं उन्हें समय पर लौटा नहीं पाया था, और वो लोग मुझे अब जान से मारना चाहते थे। सारे नाटक में आना ने मेरा साथ दिया, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे मरे हुए आदमी का हाथ काटकर जंगल में रख दिया। आना ने तारिका के कंप्यूटर से मेरा डीएनए हटाकर उस मरे हुए आदमी का डीएनए चेंज कर दिया। जब तुम्हें खजाने का नक्शा मिला तो तुमने आनिया को भी मार दिया ताकि तुम वो खजाना अकेले लूट सको। नहीं सर, सर सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, सारे खून इसी आदमी ने करे। हाँ मैंने किए, सारे के सारे खून मैंने किए, अपने दादाजी का खून का बदला लेने और खजाने के लिए। जिस खजाने के लिए तुमने ये पांच पांच खून किए हैं, वो खजाना कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सब इस देश की अमानत है। तुम्हारे दादाजी वीर को गलत इल्जाम लगाकर मारा गया, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।